हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं फिर से एक बार पोको X3 प्रो, यानी बनाने वाले नहीं बताने वाले, सॉरी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये स्टेप आपको फॉलो करनी है। ज़्यादातर हमारे दो कनेक्शन आए हैं, दो पावर से, ज़्यादातर नहीं आए, यानी दो ही कनेक्शन, दोनों पावर से आए हैं जो हमारे फिंगरप्रिंट को सप्लाई दे रहे हैं, और उसके थ्रू ये ड्राइवर बनाना है। जैसे कंप्यूटर में कैसे ड्राइवर बनाते हैं कोई भी चीज़ के, वैसे ही हमारे मोबाइल में भी सिस्टम रहता है, हर चीज़ के ड्राइवर बनाता है मोबाइल फ़ोन और हमारे CPU को देता है कनेक्शन। तो उसी तरीके से कैमरा, ये फिंगरप्रिंट का ड्राइवर अगर नहीं बनता है तो ये कंपोनेंट कुछ ब्रेक हो गए तो डिवाइस वहाँ रीड नहीं करेगा, तो CPU को पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम है। तो ये मेन ये कुछ कनेक्शन है, आप ये देख लीजिए, कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। अगर आपके फ़ोन में कभी ये कंपोनेंट ओके है, CPU से सब वैल्यू ही नहीं मिल रही है यहाँ से, तो आपको प्रोसेसर बनाना पड़ेगा। अगर सब आपके इसमें ओके है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको घबराए नहीं कि फिंगरप्रिंट चेंज करो, फटाफट चेक कर लो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक के आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।